हेलो एवरीवन, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि पिछले लेक्चर में हो चुका है। अब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक मैं फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने बहुत सारे फ्लो डायग्राम वगैरह लिए हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम इन बकल कैविटी, इसोफेगस एंड स्टोमिक, तीन पार्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फ्लो डायग्राम देखिए। तो भोजन हम जब खाते हैं वो कैसे कैसे मूव होता है। सबसे पहले माउथ में जाता है, फेरिंग्स में जाता है, फिर इसोफेगस में जाता है, ठीक है। फिर स्टोमिक में जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था जो कि मैं एनाटॉमी में बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है, सीकम एंड अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये सारा पार्ट है, ठीक है। सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन, ये चारों जो है वो कोलॉन का पार्ट है, ठीक है। सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, चार तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें कोलॉन को सब डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन, ठीक है। फिर आता है रेक्टम और एनल, ठीक है, एनस, ठीक है। तो इसमें ये फ्लो डायग्राम के थ्रू आप लोग ये समझिए कि सबसे पहला क्या होता है। हम जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं उसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, चार चीज़ें होती है, ठीक है। एसिमिलेशन भी होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता है, एसिमिलेशन। क्या क्या पहला आता है, इंजेशन, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हो कि जब हम भोजन लेते हैं, ठीक है, बकल कैविटी, मुंह से जब हम भोजन लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है, जब उसकी पाचन क्रिया शुरू होती है, मतलब जो भी हम भोजन लेते हैं उसकी ब्रेक डाउन शुरू होती है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब वो डाइजेशन उसका हो गया, मान लेते प्रोटीन लिए या बादाम खाए, कुछ भी खाएँ, ठीक है, दाल चावल खाएँ, उसका डाइजेशन हो गया, तब वो चीज़ें एब्जॉर्ब भी तो होनी चाहिए पूरी बॉडी में, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर एसिमिलेशन, अब मान लेते कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, उसके सेल में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो गया, तो वहीं पर इकट्ठा तो नहीं रहेगा, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए ताकि सबको न्यूट्रिएंट्स की नीड्स हो, उसको मिल सके, तो एसिमिलेशन कहलाता है। जब पूरे बॉडी में उसकी सर्कुलेशन शुरू हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एक्सक्रीशन, अब हम जितना चीज़ खाते हैं वो हमारे बॉडी के लिए उपयोगी हो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी वेस्ट मटेरियल होती है जिसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। जब वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकालते हैं उसे हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। वो वेस्ट मटेरियल किस रूप में बाहर, या तो यूरिन के थ्रू निकले या फिर फीसेज के थ्रू निकले, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ फीसेज की बात करेंगे, यानी एनस की बात करेंगे। एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इंजेशन हम कहाँ से करते हैं, माउथ से, फेरिंग्स से इंजेशन होती है, ठीक है। हम इसके द्वारा मुंह में कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, जिसे फेरिंग्स में थ्री टाइप्स ऑफ फेरिंग्स होता है, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लेरिंजो फेरिंग्स, जो कि मैं एनाटॉमी में बता चुकी हूँ, ठीक है। इंजेशन टेकिंग ऑफ फूड एंड मैस्टिकेशन, अब क्या होता है कि हम भोजन लेते हैं माउथ में, वहाँ पर हम भोजन लेते हैं तो मैस्टिकेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में भोजन जो होता है वो टूटता है, हम चबाते हैं, ठीक है, अपने टंग के सहायता से, टीथ के सहायता से हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसे चबाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर वहाँ उसका डाइजेशन शुरू होता है, प्रॉपर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, इन सब चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेकडाउन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो उसके बाद अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन इसका होता है, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कहाँ पर होता है, एनस, एनल कैनाल के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट कहाँ डाइजेशन देखेंगे, तो सबसे पहला देखेंगे माउथ बकल कैविटी से इसका डाइजेशन देखते हैं, ठीक है। तो माउथ में, माउथ के जो एरिया को पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी,
ठीक है। तो उसमें ये टू टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे मुंह में, हमारे बकल कैविटी में दो तरह का फंक्शन परफॉर्म होता है। पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। मैस्टिकेशन एक मतलब हम बड़ा पार्टिकल खाएं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा, मैस्टिकेशन। दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग, अब हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया तो उसको निगलते हैं ना, तो निगलने के लिए भी उसको सलाइवा से मिक्स करके ऐसे ऐसे मिक्स करके इसको ज्वाइन कर लिया जाए ताकि एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर बन जाए ताकि हम इजीली उसको स्वेलअप कर सकें, निगल सकें, ठीक है। तो दो चीज़ें बकल कैविटी में होती है, पहला मैस्टिकेशन, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग, ठीक है। टीथ एंड टंग के सहायता से हेल्प टू द मैस्टिकेशन, वो किसी में हेल्प करता है, मैस्टिकेट उसको चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड मिक्स अप विथ सलाइवा, उसके बाद वो जब चबा लेते हैं तो जीभ के सहायता से जो हमारे बकल कैविटी में सलाइवा रिलीज होता है उसके साथ वो मिक्स अप करने में हेल्प करता है, हमारे टंग और टीथ जो है उस सलाइवा के साथ भोजन को मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है सलाइवा, बकल कैविटी में क्या आता है, सलाइवा। अब हम सलाइवा में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सलाइवा में 99% तक वाटर होती है, कुछ पार्ट्स उसमें सॉलिड भी होती है, ठीक है। वाटर तो रहेगी रहेगी क्योंकि एंजाइम है। अब सॉलिड, सॉलिड में ऑर्गेनिक पार्ट होता है और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे आयन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोकार्बोनेट और क्लोराइड, ठीक है, ये सारे आयन्स होते हैं। अब इसमें ऑर्गेनिक में एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। एंजाइम दो तरह का होता है, या तो उसे टाइलिन बोलते हैं या फिर सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, और दूसरा एंजाइम लिंगुअल लाइपेज, ये लिंगुअल लाइपेज टंग के नीचे बिलो द टंग से रिलीज होता है, और ये पैरोटिड ग्लैंड वगैरह से रिलीज होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग दूसरे नाम से टाइलिन से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ म्यूकस जो है, म्यूकस का यहीं पे फंक्शन देख लेते हैं। म्यूकस जो है हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। हम भोजन कोई रूखा सूखा कुछ भी खा लेते हैं लेकिन उसको जब मुंह में चबाने लगते हैं तो उसे उसको पानी के साथ मतलब सलाइवा के साथ उसको लुब्रिकेट कर देता है, गीला कर देता है, उसको लुब्रिकेशन में हेल्प करता ताकि हम आसानी से उसको निगल सकें, ठीक है। अधेरिंग द मेस्टिकेटेड पार्टिकल, अब छोटे छोटे पार्टिकल उसको एक साथ जोड़ देगा तभी तो हम आसानी से उसे निगल सकेंगे, तो उसको अधेरिंग, उसको जोड़ने में हेल्प करता है, अधेसन जोड़ने में हेल्प करता है। और जब वो जुड़ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बोलस, क्या बोलते हैं, बोलस। और यही बोलस हम जब निगलते हैं तो ये बोलस स्टोमिक में जाता है, ठीक है। जब हमारे माउथ एरिया में जब ये पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं और जब एक साथ मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं बोलस, और यही बोलस को हम निगलते हैं तो ये जाता है हमारे स्टोमिक में, जहाँ पे इसे काइम कहा जाता है। वहाँ पे जब डाइजेशन हो जाएगा स्टोमिक में तो वहाँ पे इसे काइम कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे बोलस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज से कैसे होता है। तो पहला हम लोग एंजाइम इसमें सलाइवरी एमाइलेज पढ़े, तो जो कि स्टार्च है उसका 30%, हम जितना स्टार्च खाए हैं, ठीक है, मान लेते हैं 100% स्टार्च खाए हैं, 100 मॉलिक्यूल्स खाए हैं, तो उसमें 30 मॉलिक्यूल का डाइजेशन कहाँ हो जाएगा, हमारे माउथ में हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू। वहाँ पे पीएच क्या होता है, एमाइलेज एक अल्कलाइन है, ठीक है, तो इसका पीएच हमेशा 6.8 रहता है, स्लाइटली मतलब एसिडिक होता है, सॉरी अल्कलाइन इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, अल्कलाइन 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच याद रखिएगा 6.8 होता है। तो ये स्टार्च जो होता है वो कुक स्टार्च को, जो पके हुए स्टार्च रहते हैं उसी को ये डाइजेस्ट करता है, हम कच्चा कुछ स्टार्च ले लिए तो उसको डाइजेस्ट नहीं करता है, जो पका हुआ रहेगा उसी स्टार्च को ये डाइजेस्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज, और उसको ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में, जिसे हम लोग डाइसेक्राइड यानी पॉलीसेक्राइड से ये डाइसेक्राइड में तोड़ दिया, यानी इस तरह से चेन था, इस तरह से पॉलीसेक्राइड था, उसको डाइसेक्राइड में इस तरह से तोड़ देता है, इस तरह से तोड़ देगा, ठीक है, डाइसेक्राइड में दो दो के पार्ट में, डाई मतलब दो, डाइसेक्राइड्स में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। अब आता है लिंगुअल लाइपेज, इसमें दूसरा एंजाइम था लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज जो है ट्राइग्लिसराइड पे एक्ट करता है, यानी लिपिड पे, फैट पे, ठीक है, लिपिड या फिर फैट उस पर एक्ट करता है, और इसका डाइजेशन ये लिपिड के साथ फैट के साथ मिलके ये स्टोमिक में चला जाता है, वहाँ पे इसका डाइजेशन होता है, इसका डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, ये एंजाइम के साथ मिलके मतलब भोजन के साथ ये एंजाइम मिलके अंदर चला जाता है, वहाँ पे हमारे माउथ में डाइजेशन नहीं होगा, ये वहाँ से मिल जाता है, ये भोजन में चला जाता है और उसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ डाइजेशन होता है,
लिपिड का, ठीक है। तो हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, फिर उसमें लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल, जो कि किसी भी इन्फेक्शन, हम भोजन किसी भी तरह का भोजन खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, इधर से उठा के उधर से उठा के बाहर की भोजन खा लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो वो बैक्टीरिया को किल करने का हेल्प कौन करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम उन बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है हमें, जो हमारे सलाइवी एमाइलेज में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ सेलोइंग ऑफ बोलस, मतलब हम जो ये बोलस बन रहा था उसको जब हम निगलते हैं तो उसको हम डीग्लूटेशन करते हैं। और ये निगल के कहाँ जाता है? निगलते हैं तो कहाँ जाता है? अब ये इसोफेगस में जाएगा। कहाँ जाएगा? इसोफेगस में। फेरिंग से होती है, होते हुए इसोफेगस में जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है? बोलस मूव्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स स्टोमिक बाई पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब इसोफेगस एक पाइप लाइक, इस तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें डाइजेशन? नो डाइजेशन, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डाइजेशन इसोफेगस में नहीं होता है, नो इंजाइम, कोई इंजाइम भी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ वहाँ से मूवमेंट होके भोजन जो होता है वो नीचे की तरफ स्टोमिक की तरफ आता है। यहाँ पे यहाँ से ये बोलस मूव करते हुए ये स्टोमिक में आएगा, ठीक है, स्टोमिक में आता है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, मतलब इसका जो मूवमेंट होता है ना, इस तरह से पेरिस्टाल्टिक, मतलब इस तरह से यहाँ भोजन है, फिर यहाँ कंस्ट्रिक्ट है, फिर आगे है, फिर आगे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। उसका डेफिनेशन, द बोलस पासेज वेन डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मसल्स जो होती है, इस तरह से मसल्स हमारी होगी, तो इस तरह से मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर ये इस तरह से खुल जाएगी, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके थ्रू भोजन आगे की तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है। ये तो सलाइवरी ग्लैंड हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं स्टोमिक, ठीक है। स्टोमिक में क्या क्या चीज़ होती है? तो स्टोमिक का भी जो इंजाइम है, स्टोमिक से क्या क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में 99.5% उसमें भी वाटर होता है और सॉलिड होता है 0.5%, ठीक है, सब में पानी होगा। अब इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करते हैं सॉलिड को। इनऑर्गेनिक में HCl, ये भी एक आयन H+ देता है, तो इनऑर्गेनिक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ऑर्गेनिक में पेप्सिनोजेन, ठीक है, एक इंजाइम है जो कि पेप्सिन में रिलीज होता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। रेनिन, मिल्क का डाइजेशन करता है, बच्चों में होता है। लाइपेज, लिपिड का डाइजेशन करता है। इंट्रेंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन। अगर इसकी कमी हो जाए तो विटामिन B12 हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, और जब विटामिन B12 जो होती है वो RBC बनाने में हेल्प करती है, तो जब विटामिन B12 की कमी होगी हमारे शरीर में तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है, प्रेनेसियस एनीमिया बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये सारा एंजाइम पेप्सिनोजेन, रेनिन, लाइपेज और इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl, ये रिलीज होता है हमारे स्टोमिक से। अब कौन कौन सा सेल्स जो है इन सारे एंजाइम्स को रिलीज कराता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे निमोनिक याद रखें, मीको, MECO, क्या मीको, MECO, मी एम का मतलब म्यूकस नेल सेल, नेक सेल्स, जो कि म्यूकस रिलीज कराता है, ठीक है। ई का मतलब इंटेरो इंडोक्राइनल सेल्स, जो कि गैस्ट्रिन का रिलीज कराता है, गैस्ट्रिन एंजाइम, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन। सी चीफ सेल या फिर जाइकोमेटिक सेल बोलते हैं, जो कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन यानी रेनिन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। ओ से ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल्स, जो कि HCl का प्रोडक्शन कराता है, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर इसकी कमी हो जाए, तो एनीमिया हो जाती है, एनीमिया, क्योंकि ये विटामिन B12 जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो होता है वो हेल्प करता है RBC के फॉर्मेशन में, ठीक है, RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन अगर कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पे पेप्सिनोजेन, तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेज में रहता है, ठीक है। यहाँ से रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हो रहा है? चीफ सेल से। चीफ सेल से जब ये रिलीज होता है तो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, ये कोई प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता जब तक इसको HCl नहीं मिलेगा। HCl मिलने कहने का मतलब जब तक इसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा,
ठीक है। तो जब इसको एसिडिक मीडियम दिया जाता है तो ये जो होता है HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में रिलीज हो जाता है, और इसके लिए pH कितना चाहिए, 1.2, ठीक है। और ये प्रोटीन अब पेप्सिन के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में प्रोटीओजेज या फिर डाइपेप्टाइड में टूट जाता है, यानी उसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन्फेंट्स, ठीक है। तो इन्फेंट्स में मिल्क का डाइजेशन करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो कि है प्रोरेनिन, ठीक है। ये भी कहाँ से रिलीज होता था, चीफ सेल से, पीछे देख लीजिएगा, चीफ सेल से। तो ये प्रोरेनिन भी ठीक उसी तरह पेप्सिनोजेन की तरह ये भी इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl, जिसके लिए मीडियम चाहिए 1.2, ठीक है। वो फिर रेनिन में चेंज होता है, जो कि ये एक्टिव है, ठीक है। अब ये काम कर सकता है किसी प्रोटीन वगैरह पे। फिर यहाँ पे कैसिन एक मिल्क प्रोटीन है, वहाँ पे रेनिन काम करता है, पारा कैसिन बनाता है, पारा कैसिन पे कैल्शियम एक्ट करता है, कैल्शियम पारा कैसिनेट बनता है। फिर वहाँ पे पेप्सिन काम करता है, पेप्सिनोजेन वाला पेप्सिन, वो पेप्सिन यहाँ काम करता है, तो पेप्टॉन्स, प्रोटीएजेज और डाइपेप्टाइड्स में इसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। अब यहाँ कुछ देख लीजिए छोटे छोटे चीज। स्टोमिक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 hours, हमारे पेट में 4 से 5 घंटे तक भोजन स्टोर रहता है। बोलस मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, बोलस कहाँ से आया था, ये आया था हमारे बकल कैविटी से, जो कि इसोफेगस लाया था नीचे की तरफ, स्टोमक की तरफ, वहाँ से बोलस आता है। और मिक्स किससे होता है, गैस्ट्रिक जूस से, वहाँ पे डाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम जूस से मिक्सअप होता है। फिर वो उसकी चर्नी मूवमेंट और मसल्स, ये जो मतलब स्टोमक में है, मिक्स कैसे होगा, उसकी मूवमेंट होगी ना। हम घर पे ही कुछ मिक्स करते हैं, उसको हिलाने डुलाने के लिए कुछ ना कुछ हम मटेरियल का यूज करते हैं ना, ठीक उसी तरह स्टोमक का जो वॉल है वो आपस में ऐसे ऐसे आगे पीछे थोड़ा मूव करके सारे भोजन को एक साथ मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है। तो स्टोमक का मस्कुलर वॉल का चर्निंग मूवमेंट की वजह से वहाँ पे गैस्ट्रिक एंजाइम के साथ वो मिक्स होता है, ब्रेक डाउन होता है, अब वहाँ पे काइम बन जाता है, ठीक है। वहीं बोलस जो है जब गैस्ट्रिक एंजाइम के साथ मिक्स होकर वहाँ डाइजेशन हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, काइम। अब ये काइम कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। और यही काइम जब इंटेस्टाइनल एंजाइम से मिक्स हो जाता है तो वहाँ पे काइल कहलाता है, CHYLE, काइल, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए म्यूकस का क्या फंक्शन था, ये भी म्यूकस नेक सेल से रिलीज होता था, ये भी एक गैस्ट्रिक जूस है। अल्कलाइन इन नेचर, इसका नेचर जो होता है अल्कलाइन, यानी ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है। एंड फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर टू सेविंग द स्टोमिक म्यूकोसा लेयर फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ HCl। अब HCl क्या है, बहुत ही हार्ड एसिड है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किसी भी चीज़ को जला सकता है, ठीक है। तो म्यूकोसा लेयर जो होता है सबसे इनर लेयर होता है, सबसे क्या, इनर लेयर होता है स्टोमिक का, सबसे इनर लेयर, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहेगी, अल्कलाइन मीडियम नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, म्यूकोसा लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। तो ये जो होता है म्यूकस जो होता है उसके चारों तरफ, ये हमारा जो स्टोमिक हो गया, यह हमारा स्टोमिक हो गया, इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है ताकि इस पे HCl जो है कोई काम न कर पाए, मतलब सिर्फ वो भोजन पे HCl काम करे, इसके ऊपर वॉल के ऊपर कोई काम न करे, ठीक है। जब वहीं हम अल्कोहल, विनेगर, एस्पिरिन वगैरह लेते हैं तो ये क्या करता है, इस वॉल को, ये जो म्यूकोसा लेयर की वॉल जो बन जाती है उसको ये तोड़ देता है, क्या कर देता है, ब्रेक डाउन तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आसानी से ये जो HCl अंदर की वॉल की तरफ चला जाता है और गैस्ट्राइटिस हो जाता है, यानी गैस्ट्रिक में, स्टोमिक में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। गैस्ट्राइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमिक, ठीक है, स्टोमिक में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, ठीक है। तो म्यूकस और क्या, म्यूकस का एक फंक्शन, म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड टू द काइम, टू फॉर्म काइम। अब क्या होगा कि बोलस जो आता है उसके साथ अदर भी गैस्ट्रिक एंजाइम मिक्स होना रहता है, तो उसके साथ जब मिक्स होता है तो मिक्स करने में हेल्प कौन कराता है, म्यूकस, ठीक है। आई थिंक लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया, मैं ये पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी, ठीक है। फेजेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, नहीं आई थिंक कर लेना चाहिए, कर लेती हूँ, ठीक है। फेजेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या फेज होती है, जब हम भोजन कोई भी देखते हैं, ठीक है, या फिर सूंघते हैं,
स्मेल होती है या फिर सोचते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। तो इसका 3 फेज होता है, सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, तो सबसे पहला सेफेलिक फेज। सेफेलिक फेज जो होता है वो नर्व से डिपेंड करता है, न्यूरॉन पे। गैस्ट्रिक फेज जो होता है नर्वस और हार्मोन दोनों पे डिपेंड करता है। इंटेस्टाइनल फेज हार्मोनल और हार्मोन पे डिपेंड करता है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जब हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस कब कब रिलीज होगा, जब हम कोई भोजन देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं या फिर हम खा रहे हैं, ठीक है, तब गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टोमक में रिलीज होगा। दूसरा, जब भोजन जो होगा स्टोमक में पहुँच जाएगा, ठीक है, भोजन हम खा लिया वो डाइजेस्ट होकर बकल कैविटी से स्टोमक में पहुँच गया, तो तब वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा। थर्ड, इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है कि जब भोजन इंटेस्टाइन में चला जाता है तो अब तो कोई गैस्ट्रिक जूस का काम नहीं है वहाँ पे। भोजन जब स्टोमिक से इंटेस्टाइन में चला गया तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का स्टोमिक में कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे रोका जाता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज ना हो। ये दोनों रिलीज कराता है और ये जो है रिलीज नहीं, ये माइनस, ये रिलीज नहीं कराता है, ये पॉजिटिव, ये भी रिलीज कराता है गैस्ट्रिक जूस का, ये भी रिलीज कराता है, ठीक है, लेकिन ये रोकता है क्योंकि अब भोजन इंटेस्टाइन में जा चुके, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो। ठीक है, तो इसका प्रॉपर फ्लो डायग्राम के थ्रू समझिए। तो ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स या फिर कंडीशनल, यानी हम जब अनकंडीशनल के हम कहीं से ऐसे भोजन देख लिए, मिठाइयाँ वगैरह देख लेते हैं और हमारी सिक्रीशन शुरू हो जाती है, ठीक है। कंडीशनल जब हमारा मन कर रहा है हम खा रहे हैं तब, ठीक है, तो उस टाइम जो होता है वेगस नर्व जो होता है एक्टिवेट हो जाता है और सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, गैस्ट्रिक फेज, जब भोजन कहाँ चला जाता है, स्टोमिक में, पेट में चला जाता है, तो वहाँ पे हमारा नर्व और हार्मोन दोनों काम करता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी, हमारे स्टोमिक में बोलस चला गया है, बोलस जो कि बकल कैविटी में था, वहाँ से स्टोमिक में आ चुका है बोलस, तो वहाँ पे स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व को और साथ साथ गैस्ट्रिन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन मैंने बताया था, मी को जब पढ़ाया था तो ई से क्या था, MECO, ई से इंटेरो इंडोक्राइनल जो था सेल्स, वो गैस्ट्रिन का रिलीज कराता है। तो ये गैस्ट्रिन जब रिलीज होती है तो ये गैस्ट्रिन सिक्रीशन कराती है गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है, पेप्सिनोजेन, रेनिन, HCL वगैरह का रिलीज कराती है, ठीक है। वेगस नर्व भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, इन तीनों केस में रिलीज होती है, ठीक है, और इस केस में इनहिबिट होती है, रोकी जाती है कि रिलीज अब नहीं करना है, बंद करो, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल फेज में जब भोजन कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है कि स्टोमिक में वो रिलीज होना चाहिए। तो काइम कहाँ बनता था, काइम कहाँ बनता था, स्टोमिक में बनता था, ठीक है, तो स्टोमिक से अब कहाँ पे आ गया काइम, इंटेस्टाइन में आ गया, तो स्टोमिक तो खाली हो गया, अब वहाँ खाली हो गया, वहाँ कोई गैस्ट्रिक जूस का ज़रूरत नहीं है। तब क्या चीज़ का सिक्रीशन होता है जब स्टोमिक में जाता है, सिक्रीशंस ऑफ GIP, VIP, CK, PZ, सोमैटोस्टेनिन, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ, ठीक है, घबराइए मत। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट देता है कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशंस हो, तो यहाँ ये रोकता है कि गैस्ट्रिक जूस अब सिक्रीट नहीं किया जाए क्योंकि अब कोई ज़रूरत नहीं है, भोजन इंटेस्टाइन में आ चुका है, ठीक है। तो GIP का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, VIP का वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड और CKPZ का कोलियोसिस्टोकाइनिन पैनक्रोजाइम जो कि पेनक्रिया से रिलीज होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी, तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे फीडबैक मिले कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा है या कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।